नेहा राय जीटॉक्स की बहुत ही बेहतरीन पोएट है और मैं इसको खिला रही हूँ मैगी क्योंकि बहुत टेस्टी मैगी है। मुझे लिटरली अचानक इसका आया कि मैं आ रही हूँ, अदरवाइज मैं कुछ अच्छा बनाती और मैं लगी हुई थी एडिटिंग में, तो ये आई है, तो अभी मैंने इसको मैगी बना के दिया है कि मैगी और बहुत टेस्टी मैगी है, मैंने टेस्ट कर ली ऑलरेडी। इसको लग रहा है ऐसा, बट इतनी टेस्टी है नहीं कुछ ऐसा स्पेशल नहीं डाला है मैंने उसमें। तो और सुनाओ नेहा, क्या चल रहा है? बस अभी जीटॉक्स पे आने की देर है। हाँ ना, हाँ 28 का शो है, राइट। और नेहा के पापा भी देखते हैं व्लॉग, तो अंकल आपको पहले तो प्रणाम और थैंक यू सो मच कि आप मेरे व्लॉग देखते हो और इस बहाने चाय पीते रहो। डैडी बहुत खुश होने वाले हैं, मैं बता दूं। थैंक यू अंकल, और नेक्स्ट टाइम आप भी आना, इसको अकेले मत भेजना। अभी मुर्सी हमारे घर पे आएंगे फॉर डिनर या लंच। हाँ ठीक है, पक्का पक्का ना? तो मैं जब भी लंच या डिनर पे जाऊंगी मैं आपको व्लॉग बना के, ठीक है? ये देखो एंटीवायरस आया, क्या आया पीसी में। तो गाइस ऐसे ही बैठी हुई थी मैं और ये महारानी को फोटोज क्लिक कराने हैं और मेरे को बोलती रील बनाने रील बनाने के लोग कितनी मेहनत करते हैं, तैयार होते हैं, बाहर जाते हैं, ये मुझे बोल रही है ऐसे ही बना लेते हैं। इतना अच्छा लिप बाम लाया है इन्होंने, उसका असर देखो गाइस, इससे पूछो सच में ये लिप बाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ऑसम है। इवन मैंने भी ट्राई किया है और अब मैंने दी को बोला भी है कि अब मैं लेने वाली भी हूं नेक्स्ट। हाँ तो देखा, देखो कोई इतना तो पैसे दे के लोग प्रमोशन नहीं करते होंगे जितना मैंने बिना पैसे फ्री प्रमोशन, लेकिन नई अच्छी चीजों की माउथ पब्लिसिटी होती है और वो यही होती है, तो ये वाकई में बहुत अच्छी चीज है। तो फिलहाल आज अभी हम बनाएंगे दीदी के साथ रील्स। दीदी के साथ नहीं बनाएंगे, दीदी की रील बना रही है जब चाहिए रील बना रखी है उसने मेरी, नहीं तो रील बना दे। बहुत मस्ती की है आज लिटरली, इनके वजह से मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं रो रही थी मैं खुशी की वजह से, इतना हंसाया इन्होंने मुझे आज लिटरली, अब मैं इनकी रील बना के ही रहूंगी। देख लो इतना हंसाया, लोगों को बिलीव ही नहीं होता जो मेरी पोएट्री सुनते हैं, तो कहते इतनी सैड रहते होगी, मैं बहुत खुश रहती हूँ यार लाइफ में, खुश रहना चाहिए गाइस, है ना? बिल्कुल खुश तो रहना ही चाहिए। अमृतेश खुश रहना चाहिए। हमने तुझे याद किया है, हाँ ऐसा नहीं कि हम मिल गए तो हम भूल गए, हमने बहुत याद किया है। ऐसे नालायक बच्चों को तो हम रोज याद करते हैं जो सेम डेट पे क्लैश करके शोज रखते हैं, हाँ ताकि हम कहीं ना जा पाए, ना यहाँ ना वहाँ। अभी नेहा ने डिसाइड किया ना, वो यहाँ आएगी ना वहाँ आएगी, अब हम दोनों जाएंगे गोवा। यस हम जा रहे हैं गोवा सोलो ट्रिप पे दो जन गाइस, पता नहीं ये ट्रिप कभी कब पूरी होगी, हाँ बस जा रहे हैं, कब जाएंगे ये पता नहीं। इसका भी ब्लॉग आएगा, हाँ, पक्का वाला, हम जब भी गोवा जाएंगे इसका ब्लॉग डेफिनेटली आएगा। ओके ठीक है चलो, ओके तो यार अभी तो आज का दिन तो मेरा इसके साथ कट गया, वरना घर में अकेले 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 पड़े रहो बस। आज बेबी भी नहीं है, बेबी होती तो बेबी के साथ, इसने भी आते ही पूछा बेबी कहाँ है, बेबी डिमांड में है, बेबी को यहीं लाके रखना पड़ेगा लग रहा है, आते ही ये नहीं पूछे आप कैसे बेबी कहाँ है, जैसे बेबी 24 घंटे यहीं रहती होगी। पर बेबी आज अपनी मासी के यहाँ गई है क्योंकि उसकी मासी को बेटी हुई है, तो बेबी छोटी बेबी से मिलने गई। तो देखो कौन आया, देखो कहाँ गई थी बेबी, कहाँ गई थी बेबी, कहाँ गई थी, हाँ सुना छूना हो गया था शब, ये नहीं रहती ना सुना सुना हो जाता है। मेरी फ्रेंड है ये, वो आते पूछती है बेबी कहाँ है, मैं बोली यही थोड़ी बेबी गई है मासी के यहाँ। बेबी आप डिमांड में हो, आपको पता है आपको आते ही पूछा गया है कि बेबी कहाँ है, बेबी कहाँ है, हैं रुक जा स्विच से मस्ती, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, एक बार कीड़ा लग गया चालू हो गया, हाँ और क्या अभी हो गया, हो गया क्या 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 बेबी, अच्छा चॉकलेट खाए, चॉकलेट चॉकलेट कहा है चॉकलेट, ये लो गुड, ये लो अभी बोलेगी ओपन करने के लिए पक्का, हाँ ये लो और मुझे 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 बेबी मेरी चॉकलेट कद्दू देगी वो, मेरी चॉकलेट नहीं नहीं बेबी मत देना, ये दीदी गंदी है लेके भाग जाएगी मत देना। आपको पता है मैंने कितना मिस किया आपको, हाँ आते ही मैंने आपको पूछा,
मेरे को नहीं पूछ रही आते कैसी हो क्या हो, बेबी कहाँ है? बेबी की डिमांड बहुत, बेबी की डिमांड ज्यादा है, वही बोल रही है। बटाटे के लिए वड़ा पाव बनाया गया है, वाह क्या डायलॉग मारा है। हाँ बेबी, इसको वहाँ बैठने की आदत है ना मेरे साथ। हाँ क्या, ये देखो इसको यहाँ बैठने की आदत है ना मेरे साथ, पीसी चलाने की। बैठाओ ऊपर, ऊपर बैठाओ। देख 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 देख, अय्या ये लड़की ना कसम से। बेबी क्या करना है, क्या करूँ? अभी ये ना क्या करना है, उसको ऑन करेंगे, देखना देखना। सब सीख गई है ये लड़की दो दिन में। हाँ चलो चलाओ 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 चलाओ, ऑन करो। देखो सब सीख गई है वो, अब बैठे बैठे अब उसको वो ऑन करना है, अब वो एडिट करेगी। हाँ आज का व्लॉग विल बी एडिटेड बाय बेबी। बेबी नहीं चल रहा, बेबी बेबी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? चलाओ। गाइस फाइनली ओला बुक कर ली है और नेहा मुझे भी ड्रॉप कर देगी क्लासेस के लिए। और इधर बेबी को बड़ी मुश्किल से मनाया गया है क्योंकि इसको कंप्यूटर चलाना था, तो भाभी अभी बेल बजा के उसको वो बहला रही हैं। देखो बेल बजा रही है। तो मैं चली क्लास और मिलते हैं क्लास के बाद। जीती थी आज भी मैं ही जीती हूँ, ये पीछे था मुझसे 30 सेकंड। अच्छा, पीछे तभी मैं आगे हूँ। कितने सेकंड पीछे था पता? अभी मैं उठी हूँ, मैं बैठ गई थी, 30 सेकंड पीछे था ये मुझसे आज। तो देखिए लग रहा है रनिंग की, इसकी टी शर्ट देखो और मुझे देखो, देखो ओह गॉड। और आज पैदल पैदल ही घर जाना है।